नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे विषय ग्रिड सबस्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल एस्टीमेशन में आज जानते हैं एक LT440 वोल्ट की लाइन डिजाइन को और समझते हैं 200 KVA पावर को कैरी करने वाली 1 किलोमीटर लेंथ की लाइन हॉरिजॉन्टल कंडक्टर कॉन्फिगरेशन पे 8 मीटर के पोल सपोर्ट पे 50 मीटर स्पान के साथ किस तरह से डिजाइन की जाती है। हम डिजाइन की सारी स्टेप्स और सभी प्रकार के मटेरियल एस्टीमेशन को स्पेसिफिकेशन के साथ समझेंगे। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक PPT के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं LT440 वोल्ट की लाइन डिजाइन। आज हम एक मटेरियल रिक्वायरमेंट के एस्टीमेट को स्पेसिफिकेशन के साथ किस तरह से डिजाइन कैलकुलेशन से निकालते हैं उसे समझेंगे। जब हम एक 3 फेज की 4 वायर लाइन टू लाइन 440 वोल्ट और लाइन टू न्यूट्रल 230 वोल्ट की LT लाइन को 1 किलोमीटर लेंथ के लिए किसी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसका कि कनेक्टेड लोड 200 KVA है, हम 8 मीटर के रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट पोल्स का इस्तेमाल करेंगे। कंडक्टर के हॉरिजॉन्टल कॉन्फिगरेशन में ACR कंडक्टर, डॉग और रैबिट का इस्तेमाल करेंगे और साथ में एक सिंगल कंटिन्यूस अर्थ वायर भी लाइन के साथ रन होगा। एक डिटेल्ड सर्वे के बाद जब हम LT लाइन के लिए पोल की लोकेशंस को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को ओबे करते हैं। LT ओवरहेड लाइन का जो रूट है सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, रोड के करीब और जो पड़ोस में दूसरे फ्यूचर सर्विस कनेक्शंस आ सकते हैं उनको कवर करने वाला होना चाहिए। लाइन के पोल्स के बीच में यूनिफॉर्म स्पान रखते समय हमें एंगल डेविएशन पॉइंट्स को मिनिमम रखना है, पोल्स को वर्टिकली प्लंब चेक करते हुए प्लांट करना है और उनके अलाइनमेंट को स्ट्रेट रखना है। लाइन में कंडक्टर को खींचते समय मिड स्पान पे भी ग्राउंड की जो क्लियरेंस है उसे प्रॉपर मेंटेन करना है। लाइन की डिजाइन में ना केवल अब्रप्ट एंगल पॉइंट्स को अवॉइड करना है बल्कि डिफिकल्ट क्रॉसिंग्स रिवर या रेलवे की हो सकती है उन्हें भी अवॉइड करना है। हमें जब हम 8 मीटर पोल लेंथ लेंगे तो टोटल लेंथ का 1/6 पार्ट लगभग 1.4 मीटर अंडरग्राउंड करना है और पोल के चारों तरफ की ग्राउंड को प्रॉपर रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट करने के साथ साथ कॉम्पैक्ट भी कर देना है। लाइन में स्टार्ट और एंड के दोनों टर्मिनल पोल्स पे सभी ज्यादा एंगल के जो डेविएशन पोल पोजीशंस हैं, कहीं लाइन में हम टी ऑफ ब्रांच लाइन की ले रहे हैं या बीच में हर आधा किलोमीटर में जो हम सैको काटने के लिए स्पेशल एंकर पोल्स लेते हैं जो कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग के दौरान लाइन में ब्रेकिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सभी पे हॉरिजॉन्टली अलाइंड शक्ल इंसुलेशन हमें फिट करने हैं और इन पोल पे क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हो सकती है तो 1 या 2 गाइसेट अनेजमेंट्स पे लगाने हैं जहां एंकर रोड और प्लेट को आधा मीटर बाई आधा मीटर फ्लेट एरिया में लगभग 1.25 मीटर हाइट तक कंक्रीटिंग करनी है। हम जो कट सेक्शंस के लिए आधा मीटर की दूरी पे एंकर पोल लेंगे उसको 2 विंड स्टे गाई से सपोर्ट करेंगे दोनों तरफ लाइन के और उस पोल सपोर्ट पे हम डबल स्ट्रेन इंसुलेटर को दोनों तरफ सभी जो लाइन के तीनों तार और न्यूट्रल के तार हैं उनके लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि अगर एक्सीडेंटली कोई लाइन में ब्रेकेज होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस भी डेवलप होती है तो लाइन में इस तरह के नुकसान अधिकतम आधा किलोमीटर तक ही रहेंगे। और ऐसी लाइन पोजीशंस पे हम शेकल इंसुलेटर के ऊपर से एक तरफ से दूसरी तरफ कंडक्टर को जंपरिंग द्वारा जोड़ देंगे और ये जो जंपरिंग है वो PG क्लैंप्स में बहुत नीटली हमें करनी चाहिए। हालांकि हमारी डिजाइन प्रॉब्लम में कोई रोड या कम्युनिकेशन लाइन की क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई LT लाइन के साथ इस तरह की रोड कम्युनिकेशन लाइन की क्रॉसिंग हो तो उसे 90 डिग्री के करीब एंगल से करना ही चाहिए और लाइन के नीचे क्रेडल गार्डिंग से सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार 1 किलोमीटर LT लाइन की लेंथ में 2 पोल पे सॉलिड अर्थिंग करनी चाहिए और पूरी लाइन लेंथ में हमें कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड आयरन का 8 SWG अर्थ वायर लाइन के साथ चलाना चाहिए। इस प्रकार इस लाइन में जहां 21 पोल सपोर्ट है हम पहले, आखिरी और बीच में 7वें और 14वें पोल पे, फर्स्ट, लास्ट, 7th और 14th पोल पे अर्थिंग करेंगे। इस लाइन में कोई एंगल डेविएशन लोकेशन नहीं है लेकिन लाइन में जितनी भी एंगल डेविएशन लोकेशंस है जहां हम कट सेक्शन का एंकर पोल लगाते हैं, कोई टी ऑफ टेपिंग्स है या स्ट्रेट लाइन में भी हर 10वां पोल है उसकी कंक्रीटिंग हमें 1:2:4 में सीमेंट, सैंड और स्टोन क्रश मिलाकर करनी चाहिए और ये कंक्रीटिंग पोल की 1.5 मीटर डेप्थ में
दो फिट बाई दो फिट फ्लोर एरिया के साथ करनी चाहिए। लाइन में दो पोल के बीच में स्पेसिंग या स्पान, और हमारा जो लोवेस्ट कंडक्टर है उसकी ग्राउंड से रोड के अक्रॉस और अलोंग जो क्लियरेंस है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल 77 और 85 के अनुसार होनी चाहिए। जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77 है वो 440 वोल्ट ओवरहेड एलटी लाइंस के लिए अक्रॉस रोड मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 5.8 मीटर और अलोंग रोड 5.5 मीटर निर्धारित करता है। तो हमारी जो लाइन है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अक्रॉस रोड 5.8 मीटर से अधिक होनी चाहिए और अलोंग रोड ये 5.5 मीटर से अधिक होनी चाहिए। और रूल 85 के अनुसार जो कंडक्टर में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 2.5 लेते हैं उसके अनुसार लाइन को स्ट्रिंगिंग करते समय सैक को इस तरह से मेंटेन करना है कि स्पान ग्राउंड क्लियरेंस को मेंटेन करे। आमतौर पर एलटी लाइन पे स्पान को हम 57 मीटर से अधिक नहीं करते हैं। दो पोल के बीच में दूरी या लाइन का स्पान लेंथ डिपेंड करती है पोल की हाइट और जो हमें ग्राउंड क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है, और ये सब निर्भर करेगी विंड के प्रेशर, टेम्परेचर के वेरिएशन और कंडक्टर में जो क्रॉस सेक्शन एरिया और टेंसाइल स्ट्रेंथ है उन पर। जब हम 7.5 मीटर और 8 मीटर के पोल लेते हैं और मजबूत ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो हम LT लाइन में स्पान को अधिक की तरफ 40 से 50 मीटर के बीच में रख सकते हैं। हमें दोनों जो स्टार्ट और एंड के टर्मिनल पोल्स हैं सभी बड़े एंगल डेविएशन के पोल हैं, एंकरिंग पॉइंट्स हैं, उन पे केवल RCC पोल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो अधिक मजबूत होते हैं, हालांकि कुछ महंगे और भारी भी हैं, और बाकी सब जगह पे हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें दो पोल के बीच में जो मिड स्पान कंडीशंस हैं वहां लाइन में इंटर कंडक्टर क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए PVC के स्पेशर्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम एक 3-phase 4-wire 440 वोल्ट की जो LT लाइन है 1 किलोमीटर लंबाई पे किसी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बनाई जा रही है 200 KVA लोड के साथ, उसे 8 मीटर के RCC और प्लेन सीमेंट कंक्रीट पोल के साथ डिजाइन करेंगे। तो ACSR कंडक्टर और कंडक्टर का हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन के साथ पूरी लाइन में एक 8 SWG का GI अर्थ वायर भी रन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम लाइन करंट की कैलकुलेशन करें। अपरेंट KVA पावर में हम लाइन वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उससे अगर डिवीजन करें तो 200 KVA पावर में 440 वोल्ट की जो लाइन वोल्टेज की लाइन है वो 262 एम्पियर लाइन करंट के साथ डिजाइन करनी है। जो स्टैंडर्ड ACSR कंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे छोटा स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन 20 square mm है, जिसमें एक स्टील का और 6 एल्युमिनियम के 2.1 mm डायामीटर के स्ट्रैंड्स हैं जो 75 से 120 एम्पियर करंट तक है। हमें 262 एम्पियर करंट के लिए डोक कंडक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका एल्युमिनियम एरिया 100 mm square है, जिसमें स्ट्रेंथनिंग के लिए 7 स्ट्रैंड स्टील के 1.57 mm के हैं और 6 एल्युमिनियम के स्ट्रैंड 4.72 mm के हैं। लाइन कंडक्टर जब हम 262 एम्पियर करंट के लिए लेंगे तो इम्बेलेंस लाइनों में ज्यादा नहीं होता, न्यूट्रल कंडक्टर की कैपेसिटी इससे आधी करंट के लिए मानी जा सकती है, तो हम न्यूट्रल के लिए 50 mm square के रैबिट कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 KVA की लाइन में 262 एम्पियर लाइन करंट के लिए हमने ACSR कंडक्टर का डॉग 100 mm square सिलेक्शन किया है, जिसमें ये 7 स्टील के स्ट्रैंड 1.57 mm डायामीटर के रीइंफोर्समेंट करेंगे और कंडक्टिविटी 6 आउटर 4.72 mm डायामीटर के एल्युमिनियम कंडक्टर बनाएंगे जो 250 एम्पियर से 362 एम्पियर करंट कैरी कर सकता है। हमारा करंट 262 के लिए ये अप्रोप्रिएट चॉइस हो सकती है, और इससे आधा 50 mm square रैबिट कंडक्टर का जो सेक्शन है जिसमें एक स्टील का रीइंफोर्समेंट है 3.35 mm का और 6 एल्युमिनियम के करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जो 150 से 240 एम्पियर हमारी 263 की आधी करंट रेटिंग के लिए सफिशिएंट है। जब हम लाइन कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे तो तीनों लाइन 1 किलोमीटर की जब हम डिजाइन करेंगे तो 3% एक्स्ट्रा वायर हम सैग, जंपरिंग और कुछ वेस्टेज के लिए अलग से लेंगे, और इस तरह से हमें 3.09 किलोमीटर वायर का इस्तेमाल करना है। 1 किलोमीटर वायर का डॉग सेक्शन का वेट 394 kg है, तो हमारा सारा डॉग कंडक्टर 1218 kg इस्तेमाल होगा। वहीं रैबिट का एक न्यूट्रल वायर 3% एक्स्ट्रा सैग जंपरिंग वेस्टेज के लिए लेने पर 1.03 किलोमीटर का होगा, 1 किलोमीटर का वेट 214 kg है। तो ये 220 kg रैबिट कंडक्टर हमें इस्तेमाल करना होगा। दोनों कंडक्टर के टोटल वेट को अगर हम प्रिवेलिंग जो प्राइस है ए
ACS कंडक्टर की 150 रुपीज पर केजी। तो ये हमें लगभग 2.2 लाख कंडक्टर कॉस्ट इनकर करेगा। और सच बताएं तो पूरी LTE ओवरहेड लाइन में कंडक्टर कॉस्ट सिंगल सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट हो जाएगा। दो पोल के बीच में लाइन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम स्पान कहते हैं, और स्पान की लेंथ डिपेंड करेगी पोल की हाइट, जो कंडक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस रिक्वायरमेंट है, और कंडक्टर में जो टेंसाइल फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल कंडीशंस में जब हम अच्छे टेंसाइल फोर्सेस के साथ कंडक्टर को 9 मीटर पोल पे रैक करते हैं तो स्पान लेंथ को मैक्सिमम LTE लाइनों में 57 मीटर तक ले सकते हैं। जब हम रैबिट या डॉग जैसे कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं 8 मीटर पोल पे तो हम स्पान को अराउंड 50 मीटर ले सकते हैं। हमारी लाइन लेंथ 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, स्पान को अगर हम 50 मीटर लें तो हमें 20 स्पान के लिए लाइन डिजाइन करनी होगी, और एक स्टार्ट का जो हमारा पोल है उसे जोड़ने पर 20 स्पान के लिए हमें 21 पोल सपोर्ट की जरूरत रहेगी। सप्लाई सोर्स से फैक्ट्री की 1 किलोमीटर लेंथ की ये LTE लाइन स्ट्रेट अलाइंड पोल पोजीशंस 20 स्पान के साथ 21 पोल के साथ जब हम डिजाइन करेंगे तो पहले और आखिरी पोल के बीच में यहाँ आधा किलोमीटर लेंथ पे जो 10वें स्पान के बाद पोल है उसे हम सेक को कट करने के लिए सेक्शनलाइज करने के लिए ताकि स्ट्रिंगिंग करते समय परेशानियां नहीं हो एंकर पोल बनाएंगे, और इसमें दोनों तरफ शकल इंसुलेटर लगाकर डबल क्रॉस बार्स पे जंपर का कनेक्शंस करेंगे। जो पहला आखिरी और कट सेक्शन का ये जो पोल है यहाँ हमें ज्यादा मजबूत पोल चाहिएंगे तो इन्हें हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट RCC के लेंगे, और बाकी सभी जो 18 पोल हैं उन्हें हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट के ले सकते हैं जो इकोनॉमिक और लाइट वेट है। LTE लाइन में ये जो स्ट्रेट रन में 18 पोल्स हैं इन पर हम पिन टाइप इंसुलेटर का स्ट्रेट स्ट्रेच में लाइन पर इस्तेमाल करेंगे। जो पिन इंसुलेटर की पिन है उसे एक स्ट्रेट क्रॉस आर्म्स में जो होल बने हुए हैं उनके ऊपर और पोल के ऊपर जो हैम्पर ब्रैकेट लगाया हुआ है वहां फिक्स कर देंगे, और इन पिन्स के ऊपर इंसुलेटर माउंट करके टाइट फिक्स कर देंगे। वहीं पहले आखिरी और बीच के इस एंकर पोल पे हम शकल इंसुलेटर को हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में बनाते समय भी क्रॉस बार्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ एंकर पोल पे दोनों तरफ क्रॉस बार्स का इस्तेमाल होगा। जहां हम क्रॉस बार्स पे पिन इंसुलेटर लगाते हैं या इस तरह का शकल इंसुलेटर के लिए डी क्लैंप लगाते हैं वहां 4 पिन क्रॉस आर्म्स 65mm by 65mm की एंगल की 6mm मोटाई से बनी हुई 1110mm लेंथ होती है। वहीं एंड टर्मिनल्स पे जहां ज्यादा टेंसाइल फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करना होता है तो हम स्ट्रैप हार्डवेयर का इस्तेमाल शकल इंसुलेशन को पोल के साथ अटैच करने में करते हैं। तो क्रॉस बार्स के लिए हम सी चैनल क्रॉस बार्स लेंगे जिसका डायमेंशन तो वही 1110mm लेंथ और सी चैनल में 65 by 65mm का साइज और 6mm की मोटाई होगी, लेकिन सेक्शन एंगल की बजाय सी चैनल होगा। वहीं जो हमारा एंकर पॉइंट है वहां पोल के दोनों तरफ हम एंगल आयरन में स्ट्रेट क्रॉस आर्म्स लेंगे तो हमें एंगल प्रकार की 18 इंटरमीडिएट पोल और 2 एंकर पोल के दोनों तरफ कुल 20 क्रॉस आर्म्स चाहिएंगी, और वहीं स्टार्ट और एंड के टर्मिनल लोकेशंस पे हमें सी चैनल प्रकार की 1110mm लेंथ की 4 पिन 65mm by 65mm 65mm by 65mm डायमेंशंस की 6mm थिकनेस की क्रॉस बार्स का इस्तेमाल करना है। हमें सभी 18 इंटरमीडिएट पोल्स पर पिन इंसुलेटर में 3 लाइन के कंडक्टर, एक न्यूट्रल और एक अर्थ नॉब के लिए सपोर्ट चाहिएगा। तो हम एक लाइन कंडक्टर का पिन सपोर्ट पोल टॉप पर क्लैंप से करते हैं तो हमें कुल 18 इस तरह के पोल क्लैंप पिन सपोर्ट चाहिएंगे। 1 किलोमीटर लेंथ की 50 मीटर स्पान के साथ जो स्ट्रेट रन में हमारी LTE लाइन है उसमें जो 18 इंटरमीडिएट सपोर्ट्स हैं उसमें तीनों लाइन और एक न्यूट्रल के लिए कुल 4 पिन सपोर्ट और पिन इंसुलेटर हर पोल पे हमें चाहिएंगे। तो कुल 72 पिन इंसुलेटर विथ हार्डवेयर हमें स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ लाइन पे 18 इंटरमीडिएट सपोर्ट्स पर चाहिएंगे। जो पिन इंसुलेटर की पिन है वो क्रॉस आर्म्स में जो सुटेबल होल्स प्रोवाइड किए हुए हैं और पोल टॉप पे जो टॉप ब्रैकेट हैम्पर लगा हुआ है उसमें प्लेस कर दी जाएंगी, और इन पिन्स के ऊपर पिन इंसुलेटर को माउंट करके हम अटैच कर देंगे, और तीनों लाइन के कंडक्टर इन 3 पिन इंसुलेटर पे, न्यूट्रल इस 4th पिन इंसुलेटर पे, और अर्थ का GI6SWG वायर यहाँ अर्थ नोब के ऊपर से चला जाएगा। जो पिन इंसुलेटर हम LTE के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 100mm हाइट के
और 70 mm नीचे सबसे बड़ी डायमीटर के हैं। इन्हें लगाने के लिए जो पिन हम इस्तेमाल करते हैं उसकी टोटल लेंथ 260 mm है, उसमें से 135 mm यहाँ अंदर स्टॉक लेंथ कहलाती है, जिसमें 32 mm पे जो 16 mm डायमीटर के थ्रेड्स हैं वो यहाँ स्पेशल सीमेंट के एडिजन के साथ पिन को पिन इंसुलेटर के साथ अटैच कर देते हैं, और इस कॉलर सपोर्ट पे पिन इंसुलेटर जब आ जाता है तो नीचे की जो शैंक लेंथ है जिसमें 75 mm पे थ्रेड्स हैं वो क्रॉस बार्स में नीचे एक हेक्सागोनल नट के साथ स्प्रिंग वाचर से अटैच कर दिए जाते हैं, जो हमारे पिन इंसुलेटर हैं उनकी कंडक्टर और पिन के बीच में वेट कंडीशन में भी क्रीपेज डिस्टेंस काफी अच्छा 66 mm है। और 1 मिनट की हमारी पावर फ्रीक्वेंसी की सप्लाई ड्राई कंडीशंस में 33 kV की भी विदस्टैंड हो सकती है, और अगर पिन के ऊपर वेट डिपोजिशंस हो गए हैं, रेनी सीजन है, तो हम 10 kV जैसी वोल्टेज को भी 1 मिनट तक विदस्टैंड कर सकते हैं। जो फ्लैशओवर की वोल्टेज है वो ड्राई कंडीशन में 20 से 35 kV है और वेट कंडीशन में ये 10 से 25 kV है। और जो पिन इंसुलेटर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन किए होते हैं उनकी पंक्चर विदस्टैंड वोल्टेज फ्लैशओवर वोल्टेज से 30% ज्यादा होती है, तो ओवर वोल्टेज की कंडीशन में सेफ फ्लैशओवर पहले होगा और परमानेंट डैमेज वाला पंक्चर अवॉइड हो जाएगा। हम लाइन में सभी एंगल डेविएशन लोकेशंस पे जहां टेंशन ज्यादा होती है या दोनों टर्मिनल स्टार्ट और एंड पोजीशन में बीच में जहां एंकर पोल सपोर्ट है वहां शेकल इंसुलेटर का, जिन्हें हम स्पूल इंसुलेटर भी कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल पे तीनों लाइन कंडक्टर और न्यूट्रल को हम स्पूल इंसुलेटर पर रोकेंगे और अर्थ वायर को पोल के ऊपर अर्थ नोब अटैच करेंगे, वहां पर प्लेस करेंगे, और जो बीच का एंकर पोल है उसमें 2 क्रॉस आर्म्स पर दोनों तरफ तीनों लाइन और न्यूट्रल के चारों लाइंस के लिए शेकल इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल हमें 16 शेकल इंसुलेटर विथ सुटेबल हार्डवेयर चाहिएंगे। जो एंड टर्मिनल्स पे हमारी लाइनें हैं उन्हें हम ज्यादा टेंशन की है तो स्ट्रैप हार्डवेयर के साथ शेकल इंसुलेटर को अटैच करेंगे और क्रॉस बार्स को भी सी चैनल के रूप में लेंगे। वहीं एंकर पोल में क्रॉस बार्स एंगल आयरन की बनी हुई है और हम डी क्लैंप से या यू क्लैंप से शक्ल इंसुलेटर को क्रॉस बार्स के साथ अटैच करेंगे। तो हमें यू क्लैंप फिटिंग्स एंकर पोल पे दोनों तरफ 4x8 चाहिएंगी और दोनों स्टार्ट और एंड के 8 शक्ल इंसुलेटर के लिए हमें स्ट्रैप हार्डवेयर सेट चाहिएंगे। हम LT लाइनों में 75 mm लेंथ और 100 mm लेंथ के दो तरह के शक्ल इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो टाइप 2 प्रकार के 100 mm लेंथ के जो शक्ल इंसुलेटर है इनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पिन इंसुलेटर जैसी है, 1 मिनट का ड्राई कंडीशन में विदस्टैंड वोल्टेज लेवल 33 kV है, वेट कंडीशन में यही 10 kV है, और फ्लैशओवर की वोल्टेज पावर फ्रीक्वेंसीज के साथ ड्राई कंडीशन में 20 से 35 और वेट कंडीशन में 10 से 25 kV है, और पंक्चर विदस्टैंड वोल्टेज फ्लैशओवर वोल्टेज से 30% ज्यादा 1.3 times है। और जो एंड टर्मिनल पे हाई टेंशन के साथ शक्ल इंसुलेटर को जब हम पोल के साथ अटैच करते हैं तो स्ट्रैप हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इंटरमीडिएट पोल पे एक एंगल क्रॉस आर्म पे डी क्लैंप लगाकर हम शक्ल इंसुलेटर को फिक्स कर सकते हैं, और यहाँ इस ग्रुप में कंडक्टर को हम टाई वायर से बांध देंगे तो कंडक्टर अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा, और ये जो ग्रुप का कर्वेचर है और यहाँ शक्ल के होल में जो टेम्परिंग है वो मैकेनिकल प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके शक्ल इंसुलेटर की डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़िया मेंटेन रखती है। दोनों टर्मिनल पोजीशंस पे जो सी चैनल क्रॉस बार्स है हमारी उस पर स्ट्रैप हार्डवेयर को हम LT शक्ल इंसुलेटर को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो स्ट्रैप है उसकी लेंथ 185 mm है और विड्थ इसकी 40 mm के साथ 3 mm थिकनेस का इसे टिपिकल शेप के साथ बनाया गया है। इसमें दोनों तरफ 14 mm के दो होल बनाए हुए हैं जिनमें एक 12 mm डायामीटर का 145 mm लेंथ का हेक्सागोनल हेड वाला बोल्ट है जिसमें 65 mm लेंथ पे थ्रेडिंग है। उसे हेक्सागोनल नट और स्प्रिंग वॉशर्स की मदद से एक तरफ शक्ल इंसुलेटर और दूसरी तरफ क्रॉस बार्स में अटैच कर देते हैं। LT लाइन के स्ट्रेट अलाइंड रन में एक इंटरमीडिएट पोल को आधा किलोमीटर की दूरी पे हम एंकर पोल बनाते हैं और इसका इस्तेमाल लाइन को सेक्शन में काटने और स्ट्रिंगिंग के दौरान सैगिंग को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब पोल पे दोनों तरफ एंगल आयरन में क्रॉस आर्म्स के साथ डी क्लैंप को फिक्स करने के बाद यहाँ शक्ल इंसुलेटर में कंडक्टर को
को हम एंड कर देंगे दोनों साइड से, और एक छोटी लेंथ का एल्यूमिनियम का वही कंडक्टर जो लाइन के लिए हमने इस्तेमाल किया है उसकी मदद से हम एक साइड की लाइन को दूसरी साइड से पीजी क्लैंप्स की मदद से इंटरकनेक्ट कर देंगे। इस तरह के जो ब्राउन कलर में हमने ये शो किए हुए कनेक्शन को हम जंपर कनेक्शंस कहते हैं। बर्ड्स और दूसरी चीजें इसके ऊपर स्टे ना कर पाए इसके लिए अक्सर इस तरह की जंपरिंग के ऊपर हम पीवीसी स्लीव्स का भी इस्तेमाल कर देते हैं। एलटी 440 वोल्ट की लाइनों में कंटिन्यूअस अर्थ वायर गैल्वेनाइज्ड आयरन का 8SWG का लाइन के अलोंग टावर्स के ऊपर पोल सपोर्ट्स पर चलता है, और उस अर्थ वायर से हमारे सारे पिन इंसुलेटर की माइल्ड स्टील पिन हार्डवेयर और क्रोसार्म्स और दूसरी नॉन कंडक्टिव मेटेलिक पार्ट्स को हम कनेक्ट करके बॉन्डिंग्स बना के अर्थिंग करते हैं। लाइन लेंथ से हमें 5% एक्स्ट्रा वायर सैग अर्थिंग के इंटर कनेक्शन जो क्रोसार्म्स से करते हैं और जो कनेक्शन में वेस्टेज होती है उसके लिए लेना होता है, तो 1 किलोमीटर लेंथ के लिए हमें 1.05 किलोमीटर अर्थ वायर चाहिएगा जो लगभग 140 kg वेट में होगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार 1 किलोमीटर की लाइन लेंथ में कम से कम 2 जगह हमें पोल की सॉलिड ग्राउंड से अर्थिंग करनी चाहिए, तो यहाँ स्टार्ट और एंड पोल सपोर्ट्स के अलावा बीच में 7th और 14th नंबर पे हम एडिशनल कुल 4 स्पाइरल अर्थ इलेक्ट्रोड से सॉलिड इफेक्टिव अर्थिंग हम कर देंगे, क्योंकि हम स्पाइरल कॉइल इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह की अर्थिंग काफी इकोनॉमिक और इफेक्टिव हो जाएगी। 8SWG 3.15 mm डायमीटर का गैल्वेनाइज्ड आयरन की लगभग 10 मीटर लेंथ को हम इस तरह से 50 mm डायमीटर की कॉइल्स बनाकर 115 टर्न्स में 450 mm लेंथ में एक कॉइल बना देंगे, और जो बची हुई हमारी वायर लेंथ है उसे पोल सपोर्ट में जो अर्थ टर्मिनल है उसके साथ क्लैंप के लिए इस्तेमाल कर देंगे। जो हमारी अर्थ कॉइल है उसे ग्राउंड से 1.5 मीटर की डेप्थ पे एक अर्थ पिट बनाकर प्लेस कर देंगे, और सॉइल में कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेंटोनाइट एडिटिव ट्रीटमेंट और सॉल्ट और चारकोल की 1-1 फिट की अल्टरनेट लेयर्स अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ बना देंगे, और इस तरह का अर्थ इलेक्ट्रोड ग्राउंड मास के साथ एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट बनाकर मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस की हमें अर्थिंग प्रोवाइड कर देगा, और पोल सपोर्ट से 1.2 मीटर की दूरी पे हम अर्थ इलेक्ट्रोड को 4 पोल सपोर्ट्स पर स्टार्ट आखिरी 7th और 14th नंबर पोल पे कर पूरी लाइन में इफेक्टिव अर्थिंग प्रोवाइड कर देंगे। जो एलटी लाइन में हमारा गाइसेट में एग इंसुलेटर है उसकी इंसुलेशन क्लास 1.1 केवी है, और हमारे स्टे गाई सेट में एक एंकर प्लेट है जिसे हमने एक एंकर रोड से अटैच करके सीमेंट कंक्रीटिंग से ग्राउट कर दिया है, और यहाँ GI के स्टे वायर से एक एग स्ट्रेन इंसुलेटर को सेफ्टी के लिए ग्राउंड से 3.5 मीटर ऊपर लगाते हुए बाद में फिर GI स्टे वायर को टर्न बकल की इस आई होल पोजीशन से अटैच कर देना है, और टर्न बकल को यहाँ पोल पे क्लैंप में अटैच कर देना है। तो इस तरह से पोल क्लैंप टर्न बकल GI वायर स्टे एग इंसुलेटर एंकर रोड और एंकर प्लेट ये हमारा स्टे गाई सेट हो गया है, और इसे हम 4 नंबर में स्टार्ट एंड और इंटरमीडिएट एंकर पोल पे दोनों तरफ इस्तेमाल करेंगे। अगर लाइन के इरेक्शन के समय स्टे की कंक्रीटिंग अवॉइड करनी है तो हम एंकर प्लेट को सीमेंट कंक्रीट की 450 mm by 450 mm सेक्शन के साथ 75 mm थिकनेस की ले सकते हैं, और ये 1:4 सीमेंट कंक्रीट रेशो से बनी हुई भारी भरकम होगी और रिफिल सॉइल से भी प्रॉपर ग्राउट हो जाएगी, अन्यथा हम एक माइल्ड स्टील की प्लेट 200 mm by 200 mm 6 mm थिकनेस की ले सकते हैं जिसके बीच में एक 18 mm का होल स्टे रोड को अटैच करने के लिए है। स्टे रोड 1800 mm लेंथ की और 16 mm डायमीटर की सॉलिड रोड है। इस रोड के एक तरफ यहाँ 300 mm लेंथ में थ्रेड्स बने हुए हैं जो 1 सेंटीमीटर में 5 थ्रेड की पिच रखते हैं। इस पर दोनों तरफ हम हेक्सागोनल नट लगाकर एंकर रोड को एंकर प्लेट के साथ अटैच कर सकते हैं, और एंकर रोड के दूसरी तरफ एक 40 mm इनर डायमीटर का आई होल बना हुआ है जिसके साथ हम थिम्बल को लगाकर स्टे वायर को अटैच कर सकते हैं। स्टे वायर के लिए जो गैल्वेनाइज्ड आयरन का हम 7 स्ट्रैंड 12SWG के या 2.5 mm डायमीटर के इस्तेमाल करते हैं। 11 kV लाइन पे हमें 7 स्ट्रैंड 10SWG के लेने होते हैं, और 33 kV की लाइन में हम स्टे वायर में 8SWG के 7 स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टे वायर और पोल सपोर्ट के बीच में ग्राउंड से वर्टिकल 3.5 मीटर डिस्टेंस पे हम सेफ्टी के लिए
एक स्ट्रेन टाइप एग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम गाय इंसुलेटर भी कहते हैं। एलटी के गाय इंसुलेटर की लेंथ 90 mm और ये डायामीटर 65 mm है। इसमें स्टे वायर को निकालने के लिए 16 mm के दो क्रॉस होल्स बनाए हुए हैं। अर्थिंग के लिए इंटरमीडिएट पोल की क्रॉस बार्स पे और जहां हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शकल इंसुलेटर लगाए हैं वहां पोल सपोर्ट पे अर्थ वायर को हम एक अर्थ नॉब के साथ अटैच करते हैं। अर्थ नॉब को हम 16 mm डायामीटर के नट बोल्ट से पोल पर या क्रॉस आर्म्स पर फिक्स कर सकते हैं और ये 52 mm डायामीटर की जो पोर्सलिन की हमारी अर्थ नॉब है इसमें इस किसी स्लोट पोजीशंस पे हम अर्थ वायर को प्लेस कर सकते हैं। गाय स्टे इंसुलेटर से निकले हुए स्टे गाय वायर को हम पोल सपोर्ट के साथ एक टर्न बकल में अटैच करते हैं। ये टर्न बकल स्टे वायर में टेंशन को एडजस्ट करने का भी काम करती है। टर्न बकल 16 mm डायामीटर की 450 mm लेंथ की वी शेप में बनी हुई होती है, जिसके ऊपर यहाँ एक एंगल आयरन का पीस वेल्ड किया हुआ है, जिसमें बीच में होल में हम एक टर्न बोल्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और दो हेक्सागोनल नट से टर्न बोल्ट की इस वेल्डेड आई पोजीशंस को हम टर्न करके वायर में टेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। इनिशियल एडजस्टमेंट के दौरान हम टर्न बकल की इस आईडी को मिड में प्लेस करते हैं ताकि हमें लूज या टाइट करने की बराबर अपॉर्चुनिटी स्टे वायर में अवेलेबल हो जाए। इलेक्ट्रिक पोल पे अनऑथराइज्ड पर्सन बिना लैडर सपोर्ट के ऊपर ना चढ़ पाए, इसलिए हर पोल सपोर्ट पे एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस लगाए जाते हैं, जो बेसिकली बार्बर्ड वायर की एक लेंथ है गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी हुई, जिसको 15 mm दूरियों के साथ लगभग आधा मीटर लेंथ में हम पोल के चारों तरफ 3 मीटर से 4.5 मीटर हाइट पर लगा देते हैं। बेसिकली बार्बर्ड वायर में 4 क्रोमेटिन शार्प बार्बर पॉइंट्स हैं जो वायर की लेंथ में 75 mm दूरियों पर बनाए हुए होते हैं। सभी एलटी लाइन के पोल्स पे रोड को फेस करती हुई साइड्स पर एक डेंजर प्लेट लगाई हुई होती है जो 200 mm बाई 150 mm डायमेंशंस की 6 mm थिकनेस की माइल स्टील शीट से बनी हुई है, जिसके कॉर्नर्स राउंड किए हुए हैं। इसे हम पोल पे इजीली विजिबल 2.4 मीटर हाइट पर माउंट करते हैं। इसमें अंग्रेजी और हिंदी और लोकल लैंग्वेज में खतरे के निशान डेंजर को बताया हुआ होता है। लाइन की वोल्टेज को यूनिट के साथ इंग्लिश और हिंदी या लोकल लैंग्वेज में मेंशन किया होता है और बीच में खतरे का निशान खोपड़ी और हड्डियां विशिष्ट रूप से बनाई हुई होती है। डेंजर प्लेट पे विट्रस वाइट एनेमल करके हम रेड कलर में खतरे के इंडिकेशंस को जो कन्वेंशनल खोपड़ी और हड्डियां हैं उनसे शो करते हैं। एलटी लाइनों में पोल के ऊपर लाइन टू लाइन सेपरेशन 300 mm या 450 mm मात्र है और लाइनों में टेंसाइल फोर्स कम और सैग अधिक होने के कारण मिड स्पान पोजीशंस पर इंटर लाइन सेपरेशन को मेंटेन करने के लिए हम स्पाइरल पीवीसी स्पेसर्स का इस्तेमाल करते हैं और अगर एक स्पान में हम दो इस तरह के स्पेसर्स इस्तेमाल करें तो कुल 20 स्पान की हमारी 1 किलोमीटर लेंथ में हमें 40 पीवीसी स्पाइरल स्पेसर्स इंटर लाइन स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए जरूरत रहेगी। सभी इंसुलेटर पोजीशंस पर कंडक्टर को बांधने के लिए हमें एल्युमिनियम का टाई स्पूल वायर बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करना होगा, उसकी लगभग 10 केजी वेट हमें आवश्यकता रहेगी। हमें अलग अलग हार्डवेयर असेंबलीज को फिक्स करने के लिए नट बोल्ट स्प्रिंग वॉशर्स की जरूरत रहेगी। अक्सर ये वोल्ट 16 mm डायामीटर और अप्रोप्रिएट लेंथ के होते हैं। इस तरह की हार्डवेयर की हमें लगभग 40 केजी अमाउंट की जरूरत होगी। पोल्स वगैरह पे नंबरिंग और नेमिंग करने के लिए एल्युमिनियम पेंट भी हमें 16 लीटर के आसपास चाहिएगा। हम सारी डिजाइन को डिटेल कर चुके हैं, एक मटेरियल स्पेसिफिकेशन की समरी रिपोर्ट बनाते हैं। आप चाहें तो मटेरियल स्पेसिफिकेशन के समरी टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारी लाइन में स्टार्ट एंड और बीच का जो एंकर सपोर्ट पोल है, इस तरह से कुल 3 सपोर्ट पोल पे ज्यादा फोर्सेज होने के कारण हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के पोल का इस्तेमाल करेंगे। 8 मीटर हाइट के आरसीसी पोल की वर्किंग लोड कैपेसिटी अच्छी है, 140 केजी के बराबर। वहीं जो बचे हुए हमारे 18 इंटरमीडिएट पोल हैं वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के 8 मीटर हाइट के हैं। इनकी वर्किंग लोड कैपेसिटी 115 केजी ना केवल कम है बल्कि ये वजन में भी हल्के और लागत में भी आरसीसी पोल की तुलना में सस्ते हैं। हमें 18 इंटरमीडिएट पोल और एक बीच के एंकर पोल पे एंगल सेक्शन में 65 बाई 65 mm डायमेंशन की 6 mm मोटी
कटाई की 1110 mm लेंथ की 4-pin क्रोसार्म्स का इस्तेमाल करना है। वहीं स्टार्ट और एंड के टर्मिनल पे हम चैनल सेक्शंस में इसी प्रकार की 4-pin क्रोसार्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें हम सभी पोल पे क्लैंप की मदद से जो 50 mm विड्थ और 6 mm थिकनेस का है अप्रोप्रिएट लेंथ और शेप का, उसे नट बोल्ट और वॉशर्स की हार्डवेयर फिटिंग्स के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट और एंड पे एक एक और बीच के एंकर पोल पे 2 स्टे गाई सेट अरेंजमेंट्स हमें कंप्लीट, कुल 4 गाई सेट अरेंजमेंट्स हमें एंकर प्लेट, एंकर रोड, स्टे वायर, एग इंसुलेटर और टर्न बकल पोल क्लैंप असेंबली के साथ कंप्लीट चाहिएगा। हमें कुल 18 इंटरमीडिएट पोल पे, हर पोल पे 4-3 लाइन और एक न्यूट्रल कंडक्टर के लिए 72 पिन इंसुलेटर विद रिलेटेड हार्डवेयर चाहिएंगे। इसी तरह से स्टार्ट एंड के टर्मिनल्स और बीच के एंकर पोल के पोजिशंस पे हमें 16 नंबर में स्ट्रेन टाइप शकल इंसुलेटर विद हार्डवेयर चाहिए, जो हम 262 एम्पियर करंट के लिए लाइन कंडक्टर ACSR तीनों लाइनों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। वो लाइन लेंथ से 3% ज्यादा सैक जम्पर और वेस्टेज के लिए हम लेंगे। इसी तरह से न्यूट्रल वायर के लिए हम रैबिट कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे 1.03 किलोमीटर लेंथ का। चार पोजीशंस पे हमें स्टार्ट एंड सातवें और चौदहवें पोल सब नंबर पे अर्थिंग करनी है कंप्लीट, और सभी 21 पोल सपोर्ट पे हमें अर्थ नॉब की जरूरत रहेगी। इसके अलावा हर पोल पे डेंचर बोर्ड, एंटी क्लाइंबिंग बार्बर्ड वायर और कुछ दूसरे मिसनेनियस हार्डवेयर एलिमेंट्स और सेलेक्टेड स्टे और एंकरिंग पोल्स के लिए सीमेंट कंक्रीटिंग की जरूरत रहेगी। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको LT लाइन की डिजाइन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो की मदद से आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनल प्रैक्टिस डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। आप अच्छा पढ़ें और तरक्की करें। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।